तो हाय गाइस, एक्सप्लोर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक्चुअली आज मेरा जो एक्चुअली वीडियो है वो है एक्सेसरीज पे ऊपर, मतलब गाड़ी डिलीवरी के टाइम पे आपको कौन सा एक्सेसरीज कंसीडर करना चाहिए, तो उसके ऊपर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कौन सा चीज़ आपको मतलब चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना चाहिए ये फ्लोर मैट जो है। हालांकि मैंने दो मेरे पास दो फ्लोर मैट है, एक है ये 3D वाला जिसमें लिखा है पंच, और जो है एक नॉर्मल वाला। बट आपको मतलब एक लेना चाहिए, मतलब एक में काम हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो सजेस्ट करूंगा जो नॉर्मल वाला है वही आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप देखो वो कितना बड़ा है, मतलब उतना तक जा रहा है। और जो 3D वाला है, 3D वाला एक्चुअली छोटा है। इसमें भी देखो, मेरा तो जो नॉर्मल है वही ऊपर रखा है, और जो 3D वाला है वो नीचे रखा है, क्योंकि 3D वाला जो है मतलब वो पंच लिख कर कुछ डिज़ाइन कर रहा है ना, मतलब कुछ डिज़ाइन है, तो वो एक्चुअली छोटा है। मतलब उससे आपको गाड़ी का जो मेन फ्लोर है वो गंदा हो जाएगा, तो इसके लिए ही मैंने दूसरा एक खरीदा। ये नॉर्मल वाला है वो, मतलब मैंने तो ये फ्लिपकार्ट से लिया था 800-900 रुपया पे। बट शोरूम पे ये ही नॉर्मल जो फ्लोर मैट है वो लगभग 1200-1300 में मिल जाएगा। आप चाहो तो शोरूम से ले सकते हो, नहीं तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। बट ये फ्लोर मैट आपको मतलब लगाना चाहिए, नहीं तो गाड़ी का जो फ्लोर है वो गंदा हो जाएगा। एक इसकी ये जो है डोर वाइजर, आप देख रहे हो, एक मिनट मैं बाहर जाकर दिखाता हूँ। ये जो डोर वाइजर है एक्चुअली ये मतलब पंच के लिए, मतलब पंच या टाटा के लिए एक्चुअली मतलब एक अलग से बना है। आप आउटसाइड से भी ये लगा सकते हो, बट ये डिज़ाइन मिलेगा कि नहीं मुझको मालूम नहीं। बट हाँ, ये डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगता है एक्चुअली, क्योंकि टाटा में मतलब ये पंच में पूरा ही टोटली एक ट्राइयरो शेप का है ना, फ्रंट पे है, इधर है ट्राइयरो, डैशबोर्ड पे भी ट्राइयरो डिज़ाइन देने के मतलब दिया है, जो मतलब ट्राइयरों का टेक्सचर है वो टेक्सचर देने के मतलब कोशिश किया है। देख, मैं दिखाता हूँ, ये देखो इधर है ट्राइयरों का कोशिश किया। तो एंड ये जो 3D वाला फुट मैट है इसमें भी ट्राइयरों का मतलब ट्राइयरों दिया। तो ये डोर वाइजर आप लगाओगे तो इसमें भी ट्राइयरों है, तो एक मतलब ये लुक को थोड़ा सा इनहेंस करेगा। बात यही है कि अगर ये डोर वाइजर आप लगाओगे तो मतलब मतलब छोटा जो मतलब ड्रिजलिंग वाला जो बारिश होता है, ड्रिजलिंग वाला बारिश में आप चाहो तो आप शीशे मतलब नीचे करके गाड़ी चला सकते हो, नहीं तो अगर कोई सनलाइट मतलब सनलाइट के नीचे अगर आप गाड़ी खड़ा करोगे तो गाड़ी तो मतलब पूरा गाड़ी का अंदर गर्म हो जाएगा। उस टाइम पे अगर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे कर सकते हो, इसमें आपका गाड़ी सेफ भी रहेगा और जो गाड़ी का मतलब उतना गर्म नहीं होगा जो नॉर्मल मतलब पूरा शीशा बंद करके जो होता है, क्योंकि इतना खुला रहेगा तो यहाँ से गर्म हवा चला जाएगा। तो ये दो चीज़ है, मतलब आप चाहो मतलब आपको कंसीडर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, तीसरा चीज़ है ये सीट कवर। सीट कवर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। वो मतलब मैंने क्यों नहीं लगाया, ये जो प्लास्टिक वाला फीलिंग है नया गाड़ी का एक्चुअली, तो वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक साल डेढ़ साल वो मतलब रखना चाहता हूँ, तो उसके बाद सीट कवर मैं लगाऊंगा। बट तभी तक के लिए जो प्लास्टिक वाला, एक नया गाड़ी का प्लास्टिक वाला जो फील होता है, उधर भी प्लास्टिक है, ये जो प्लास्टिक वाला अलग फील होता है एक्चुअली, तो उसके लिए मैंने ये प्लास्टिक नहीं हटाया एंड सीट कवर अभी नहीं लगाया है। तो ये तीन चीज़ है आपको कंसिडर करना चाहिए। और मतलब एनी अदर कार का मतलब जो बेस मॉडल होगा और बेस मॉडल के ऊपर शायद फॉग लाइट आपको ऑफर ना करे, तो आप चाहो तो ऑफ मतलब वो जो फॉग लाइट है वो आप लगा सकते हो। अब देख लेना, हाँ कोई वायर वगैरह नहीं कटता है तो ये एक चीज़ आप मेक श्योर कर लेना, जहाँ वो सब वायरिंग मतलब कपलर टू कपलर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो फॉग लाइट भी लगा लो। ये तीन चार चीज़ है जो मतलब एक्सेसरीज पे आता है, आपको कंसिडर करना चाहिए। और जो जो चीज़ है मैंने जो लगाया, ये एक मिनट में दिखा रहा हूँ, आप ये वाला चीज़ भी लगा सकते हो। ये है मतलब जो ये चीज़ भी आपको लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जब आप मतलब जूता लेके इधर से निकलते हो तो इधर स्क्रैच आ जाता है ये पोर्शन पे, तो ये एक मतलब प्रोटेक्शन के तरह है, तो आप ये चीज़ लगा सकते हो। इसका भी प्राइस लगभग
1000-1200 के आसपास आया था। और एक चीज है जो ये मार्ट फ्लैप भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये मार्ट फ्लैप आपको लगाना चाहिए, अगर ये मार्ट फ्लैप अगर नहीं लगा हो तो गाड़ी का इधर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जो मड है वो आ जाएगा। और ये पीछे में भी मतलब मड जो है ज़्यादा मतलब आएगा अगर ये मड फ्लैप अगर नहीं लगा हो। और टाटा पंच का ये जो बम्पर है रियर वाला ऐसे मतलब शिफ्ट करके दिया है ना, अगर ये मार्ट फ्लैप अगर नहीं लगाएगा तो टायर थोड़ा सा मतलब बाहर में दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप चाहो तो ये मार्ट फ्लैप लगा सकते हो, इसका कॉस्ट उतना भी ज़्यादा नहीं है, 600-700 रुपया में आ जाएगा चार का। अगर लुक वाइज चाहो तो आप इधर जो मैंने लगाया रूफ रेल्स, पीछे में जो लगाया इधर क्रोम, इधर जो एक होता है स्पॉयलर आप लगा सकते हो। स्पॉयलर का प्राइस भी ऑलमोस्ट 5000 के आसपास है। इधर ORVM पे इस साइड पे क्रोम का मतलब गार्निश आता है, वो चीज़ आप लगा सकते हो। मैंने फ्रंट पे स्किड प्लेट लगाया, रियर पे भी है, वो चीज़ भी आप लगा सकते हो। मतलब लुक्स पे अगर आप चाहो तो मतलब कुछ भी कर सकते हो, मतलब क्या बोलूँ मैं, अगर आपका बिल का कोई टेंशन नहीं है तो हाँ पूरा गाड़ी आप चाहो तो पूरा टोटल एक्सेसरीज पे भर दो। ऑलमोस्ट 60-70,000 का बिल आएगा, क्योंकि जब मैं ये मेरा गाड़ी मैं डिलीवरी ले रहा था उस टाइम पे एक ऑरेंज पंच भी था, उसका ऑलमोस्ट 65,000 का एक्सेसरीज का बिल आया था मैंने देखा था। मतलब जो जो चीज़ है वो सब चीज़ मतलब वो लगा दिया गाड़ी में, बट उतना मेरे हिसाब से तो लगता है उतना ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ लगाओ, एंड जो जो चीज़ आपको मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है वो चीज़ ही लगाओ, तो यही एक बात है। और ये फॉग लाइट मैंने जो बोला, फॉग लाइट भी आप लगा सकते हो हाँ, बट देख लेना जब कपलर टू कपलर फिटिंग हो रहा है कि नहीं। आप चाहो तो बाहर से भी लगा सकते हो, नहीं तो शोरूम पे भी लगाओ। शोरूम पे थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, मेरे तो आया था ऑलमोस्ट 4500 के आसपास, बट हाँ बाहर पे होगा तो 2500-2500 रुपये आ जाएगा आई थिंक। बट हाँ अब देख लेना एक बार कपलर टू कपलर फिटिंग हो रहा है कि नहीं, बट यही एक चीज़ है। बट सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग टाटा पंच एक्सेसरीज का, मतलब जो कौन सा चीज़ आपको मतलब लेना चाहिए, मतलब लेना ही चाहिए एज फॉर एन यूजिबिलिटी, नॉट लुक वाइज होगा तो मतलब जो जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा वो चीज़ आप लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं। बट हाँ यूजबिलिटी के लिए मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ लगाना चाहिए। नाउ या थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ।